ये इधर हमारी शाही खड़ी है, शाही बोल रही है हमारे को भी लेके जाओ बाहर। हेलो गाइस, कैसे हैं सब आप लोग? तो आज अभी उठ गए हैं और उठ के चाय वगैरह पी लिया है और अभी अपन जाएंगे घोड़ों पे राइडिंग करने के लिए। आज रोज हम डेली शाम को राइडिंग करते हैं, तो दो घोड़े थोड़े हाफ माइंड है, उनको अभी राइडिंग करेंगे। तो सवेरे के टाइम है तो सवेरे सवेरे दोनों को निपटा देते हैं, बाकी हमारे घोड़े जो है पूरे घोड़े 8 घोड़े जाते हैं काम पर, तो दोनों को अभी दे देंगे और बाकी के सब जो 6 घोड़े हैं उनको शाम को देंगे। तो चलते हैं बाहर और आज का रोजमर्रा की जिंदगी का आज का दिन हमारा कैसा जाता है। तो इधर हमारे मैराथन के मास्टर इधर थोड़े अपना बदन सेक रहे हैं, पीछे से ठंडी बहुत है आज। और चैन सिंह हमारे को राइडर अभी चाय की चुस्कियां मार रहे हैं। तो चैन सिंह चलोगे राइडिंग रूम लेके? रूम को लेके आप चलो। तो दोस्तों ये होता है सेफ्टी शूज। तो राइडिंग करते समय सेफ्टी शूज पहनते हैं तो आपको जो पैरों में दर्द नहीं होता, नहीं तो अपनी जो स्किन है वो छिल जाती है राइडिंग करने से। राइडिंग करने से अपने एक्सरसाइज भी अच्छी होती है और सवेरे का टाइम है तो ठंडी भी ज़्यादा लगी, इसलिए मेरे एक बहुत बड़ा जैकेट भी पहना हुआ, आपको अजीब सा लग रहा होगा। तो अभी हमने सेफ्टी पूरे पहन लिए हैं। साला गधा अपने मुंह से मार रहा है, इसको दर्द भी नहीं होता। ये हमारे हाथी सिंह आ रहे आके ले रहे। ये हमारा पुराना घोड़ा बर्बाद। इसके परिवार की बात करें तो इसके कुवैत के अंदर बहुत बड़ा परिवार है, कम से कम इस घोड़े अकेले के 100 से ऊपर बच्चे, 100 बच्चों का बाप है ये। ये इधर हमारी शाही खड़ी है, शाही बोल रही है हमारे को भी लेके जाओ बाहर। ये हमारी शाही है, थोड़ी शर्माती ज्यादा। शर्माती ज्यादा है ना? ये शर्माती ज्यादा। और ये है एमएलए, इसका नाम है एमएलए, एमएलए साहब है ये हमारे। और एमएलए साहब बड़े ही खूंखार, इन्होंने हमारे एक रेस लिया है। थोड़ा पागल घोड़ा है, थोड़ा नहीं पूरा का पूरा पागल है। ये खा क्या रहा है? अंदर कुछ है तो नहीं, क्या खाएगा? और ये हमारे भाट साहब है, आपने पहले देखा ही होगा। और ये हमारी आ गई कटरीना। कटरीना ठंडी लग रही है तेरे को? आ जा। कटरीना को ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा, ठंडी लग गई कटरीना का। छोड़ छोड़ छोड़, ऊपर ऊपर छड़ जा। कटरीना किधर छड़ गई? कटरीना हमारे एमएल शाब है। और ये हमारे क्रूज। क्रूज व्हाई आर यू बाइटिंग? हे देखो पीछे का पैर कैसे पोजीशन में लेके आ रहा। और ये हमारे आ गए बरवाज दादा। बरवाज और बार कर ले, उठ कर उठी कर ले जो। क्या यार? मिली। देखो कितना गुस्सा आ रहा, काटने के लिए करता। मेरा कैमरा मत खा जाना घोड़े। देखो देखो देखो, तेरे को सफाई कर रहा गधे। शरीर पे हाथ लगाते इसको गुस्सा आता है बहुत ही ज्यादा। इतनी दूर तक पेड़ थे, अभी पेड़ खत्म हो गए। इतनी खतरनाक वाली ठंडी आ रही है, हवा बहुत ज्यादा। बस 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 बस, अभी देखो कुत्ते की तरह कर रहा है ये।
अभी देख, इसको जितना होगा इतना मैं खींच के पकड़ता हूँ। ऐसे ज्यादा ना सही रहता, पर ये है ना थोड़ा आगे जाएगा बहुत खतरनाक वाला स्पीड पकड़ लेता है। ओके, ऐसे ज्यादा राइडिंग करने में भी मजा आता है, पर वो मजा ये लेने नहीं देता हमारे को, बहुत हरामी घोड़ा है ना बेटे। अभी देखो इसकी स्पीड शुरू हो गई, बस रे अभी देखो कितना गद्दे की तरफ भाग रहा है। बस ओड़ा बच्चे, बच्चे तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ में। और आपको मेरा व्लॉग क्या कैसा क्या लग रहा है आप मेरे को ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो में क्या क्या कमियां हैं वो भी मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मैं जो भी मेरी कमियां हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। और घोड़ों में आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगता वो भी हमारे को कमेंट में बता सकते हैं, हम मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। और आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।